नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जांच के सिलसिले में सामने आए बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी पेशी हुई। दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कोलाबा स्थित गेस्ट हाउस में 5.5 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने ड्रग्स चैट की बात कबूल की है। उधर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से एनसीबी के ब्लाड एस्टेट स्थित ऑफिस में सवाल जवाब जारी रहे। कर्ज के बोझ तले दबे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने लंदन कोर्ट में कहा कि वह सादा जीवन जीते हैं, केवल एक कार में चलते हैं और गहने बेचकर वकीलों की फीस चुका रहे हैं। चीन के 3 सरकारी बैंकों से लोन लेने के मामले में अनिल अंबानी पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन की हाई कोर्ट में पेश हुए थे। राजस्थान के डूंगरपुर में टीचर भर्ती में अनारक्षित पदों को आरक्षित करने की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। 40 घंटे से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के 10 किलोमीटर इलाके में तनाव बना हुआ है। उपद्रवी हाईवे के आसपास की पहाड़ियों पर डटे हैं। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर हाईवे पर बनी होटल और दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की। 30 वाहनों में आग लगा दी गई। अब तक 700 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। धारावी, यह नाम सुनते ही दिमाग में झुग्गी झोपड़ियों की तस्वीर बनने लगती है। महज 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैले एशिया के इस सबसे बड़े स्लम में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अप्रैल में यहां कोरोना का ब्लास्ट हुआ था, लेकिन जून तक वायरस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, इसलिए धारावी मॉडल की बहुत चर्चा हुई। लेकिन एक बार फिर से यहां कोरोना की दूसरी लहर आती दिखाई दे रही है। धारावी में कोरोना के मामले 3,000 को क्रॉस कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों में तो हर दिन 2 अंकों के मामले बढ़ रहे हैं। अभी 180 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यूके की पीपुल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स ने कंबोडिया में लैंडमाइन तलाशने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर गोल्ड मेडल दिया है। मगावा एक अफ्रीकन जायंट पाउच्ड रैट है जो सिर्फ 8 साल का है। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े अब कुछ राहत दे रहे हैं। बीते 8 में से 7 दिनों में नए संक्रमितों से ठीक होने वालों की ज्यादा संख्या रही है। देश में अब तक 59,08,748 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 48,49,114 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 93,440 मरीजों की मौत हो चुकी है। बॉलीवुड के ड्रग्स मामले में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद को एनसीबी ने 26 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था। क्षितिज के घर एनसीबी ने छापा मारा था, जिसमें थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिली थी। बिहार में चुनाव की तारीखें आ गई हैं। कोरोना की वजह से इस बार बड़ी बड़ी रैलियां रोड शो नहीं होंगे, ज्यादातर प्रचार वर्चुअल होगा। कोरोना काल में होने जा रहे इस चुनाव में सबसे खास बात भी यही है। राजनीतिक पार्टियों ने भी इस वर्चुअल प्रचार के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 2013 से भाजपा का चेहरा मोदी ही बन गए हैं और उनकी रैलियों में भीड़ बहुत आती थी। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से हरा दिया। दिल्ली की टीम चेन्नई को 3 देशों में हराने वाली पहली टीम बन गई है। दिल्ली ने यूएई में पहली बार चेन्नई को हराया। 2014 में जब आईपीएल यूएई में हुआ था तब चेन्नई जीती थी। 2009 में जब दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल हुआ तब दोनों टीमें एक एक मैच जीती। वहीं इस मैच में चेन्नई के फाफ डु प्लेसिस ने आईपीएल में अपने 2000 रन पूरे कर लिए। वहीं पीयूष चावला ने दिल्ली के खिलाफ 2 विकेट लिए। इसके साथ वे T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अब खबरें हरियाणा से। कैथल में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक अचार फैक्ट्री में शनिवार को छापेमारी की। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में अचार के ड्रम भरे मिले। इनमें ऊपर दिख रहा अचार सड़ा हुआ था। अधिकतर ड्रम में रखे अचार में फफूंदी लगी थी। सीएम फ्लाइंग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर इस अचार के सैंपल भरे। वहीं अचार फैक्ट्री मालिक का कहना है कि ड्रम में ऊपर के सड़े अचार को फेंक दिया जाता है, बाकी अचार का इस्तेमाल किया जाता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब घटने लगा है। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। 1 लाख से ज्यादा मरीजों के ठीक होने वाले राज्यों में हरियाणा 15वां प्रदेश बन गया है। राहत की बात यह है कि रिकवरी दर 10 दिनों में ही करीबन 6% बढ़ गई है। रिकवरी दर में हरियाणा देश में 10वें नंबर पर पहुंच गया है। कृषि से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में किसानों ने शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बंद रखा था।
गांव से लेकर सड़क व रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किए गए। अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहे। वहीं प्रदेश में 16 जिलों में नेशनल स्टेट हाईवे व लिंक रोड समेत 75 से ज्यादा मुख्य सड़कों पर किसानों ने 1 से 6 घंटे तक जाम लगाया। बरोदा हल्के को दिवाली से पहले नया विधायक मिल जाएगा। बिहार चुनाव के साथ होने वाले बरोदा उपचुनाव के लिए एक और राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 सितंबर को शेड्यूल तय करने के लिए बैठक बुलाई है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने इस इलाके के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बरोदा हल्के में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं हैफेड 4 मीट्रिक टन प्रति घंटा की क्षमता वाली राइस मिल भी लगाई जाएगी। इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च आएगा। दोनों प्रोजेक्ट को सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वहीं जनता कॉलेज को अपग्रेड कर विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। इसी के साथ ही राज्य सरकार ने हल्के में विकास कार्यों के लिए 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।